के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। पिकअप वैन का नंबर बदलकर शराब की तस्करी करने वाले दो तस्कर 5 लाख के अवैध शराब के साथ गिरफ्तार। इस साल भी नहीं सजी बेनियाबाग की बकरा मंडी, महंगाई के चलते बकरों की कीमतों में भारी वृद्धि। नगर आयुक्त व मेयर की अनुपस्थिति में हंगामों के बीच संपन्न हुई नगर निगम के कार्यकारिणी की बैठक। वाराणसी गांधीनगर कैपिटल सुपरफास्ट ट्रेन शुरू, पर्यटन व व्यापारिक रिश्तों को मिलेगी मजबूती। और अब खबरें विस्तार से। पीएम मोदी ने गुजरात से काशी को जोड़ने का काम कर दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं गांधीनगर कैपिटल वाराणसी सुपरफास्ट ट्रेन की, जिसे हरी झंडी दिखाकर मोदी जी ने गुजरात से शुक्रवार को रवाना कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गांधीनगर कैपिटल वाराणसी सुपरफास्ट ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के साथ ही काशी और गुजरात से रिश्ता और गहरा हो गया। पर्यटन और व्यापारिक रिश्तों को मजबूती का एक और साधन मिल गया। ट्रेन के लोकार्पण के बाद शुक्रवार को स्टेशन निदेशक आनंद मोहन ने बताया कि वाराणसी गांधीनगर कैपिटल सुपरफास्ट हर बुधवार वाराणसी से अपराह्न 3:15 बजे रवाना होगी और गांधीनगर कैपिटल गुरुवार दोपहर 3:20 पर पहुंचेगी। गांधीनगर कैपिटल से हर गुरुवार रात 11:15 बजे रवाना होगी और वाराणसी शुक्रवार रात 11:30 बजे पहुंचेगी। यह ट्रेन देश के पहले पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन गांधीनगर कैपिटल के लिए चलाई जा रही है। बता दें कि वाराणसी और गुजरात के विभिन्न शहरों में पहले से व्यापारिक और पर्यटन का नाता रहा है। नई ट्रेन चलने से उसमें मजबूती आएगी, दोनों क्षेत्रों में अवसर बढ़ेंगे। ट्रेन का ठहराव प्रयागराज, गोविंदपुरी, झांसी, बीना, संत हिरदराम नगर, उज्जैन, रतलाम, गोधरा, छायापुरी, आनंद, गीरतपुर, अहमदनगर में होगी। रेलवे सुविधा भी बढ़ी है, स्वच्छता भी बढ़ी है, सुरक्षा भी बढ़ी है और पेड़ भी बढ़ी है। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडर्नाइजेशन या नई आधुनिक ट्रेन, इस तरह के कितने ही प्रयास ट्रेनों की स्पीड को बढ़ाने के लिए किए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में जैसे ही डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर शुरू हो जाएंगे, ट्रेनों की स्पीड और बढ़ेगी। तेजस और वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें तो हमारे ट्रैक पर चलने भी लगी है। आज ये ट्रेनें यात्रियों को एक नया और अद्भुत अनुभव दे रही है। शनिवार को नगर निगम के कार्यकारिणी की बैठक जोरदार हंगामे के साथ संपन्न हुई। इस बैठक में ना तो नगर आयुक्त उपस्थित थे और ना ही मेयर मृदुला जायसवाल। शनिवार को नगर निगम की कार्यकारिणी की जोरदार हंगामे के बीच संपन्न हुई इस बैठक में ना तो नगर आयुक्त उपस्थित थे और ना ही मेयर मृदुला जायसवाल। इसको लेकर कार्यकारिणी के सदस्यों ने नाराजगी जताई। विगत कई महीनों के बाद नगर निगम के द्वारा शहर के विकास कार्यों को लेकर आज नगर निगम परिसर में कार्यकारिणी की बैठक रखी गई, जहां पर शहर में चल रहे तमाम विकास कार्यों को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान विपक्ष के पार्षदों ने जमकर जुबानी हमला किया। दरअसल शहर के विकास कार्यों को लेकर जब अधिकारी पार्षद से चर्चा कर रहे थे, उस दौरान पार्षदों ने शहर के मूलभूत सुविधाओं को लेकर उनसे सवाल किए, जिस पर अधिकारी टालमटोल करते नजर आए। पार्षदों का आरोप है कि नगर निगम में चल रहे विकास कार्यों को लेकर कार्यकारिणी की अहम बैठक होती है, लेकिन इन बैठक में नगर निगम के नगर आयुक्त ही कई बार गायब रहते हैं। जब उनसे पूछा जाता है तो कभी सरकारी मीटिंग तो कभी वीवीआईपी के आने पर मीटिंग करने का हवाला देते हैं। वहीं पार्षदों का आरोप है कि आज ना तो कोई भी वीआईपी था और ना ही प्रधानमंत्री का दौरा, तो ऐसे में नगर आयुक्त इस अहम बैठक में क्यों नहीं आए। इसको लेकर पार्षदों में काफी नाराजगी देखने को मिली। शहर के विकास संबंधित मुद्दे हैं, जो स्मार्ट सिटी मुद्दे के संबंधित मुद्दे हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन से स्मार्ट सिटी के कार्य हो रहे हैं, जल संस्थान से संबंधित मुद्दे हैं। अब ये देख रहा मेरे हाथ में ये गंदा पानी जो है, पानी में जो है कीड़े मिले हुए हैं, जल संस्थान की सप्लाई में जो है, इसी संबंध में आप सब हैं जो है। हल्का सा हंगामा भी हुआ है,
आप देखिए सारे कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं वो बनारस के विकास के लिए वो 90 वार्डों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो है, और शहर में जो तमाम जो है कार्य जहाँ IPDS के कार्य हुए हैं वो कार्य शुरू कराए जाएं उसके लिए हैं। और न मेयर देखिए नहीं, मेयर साहब न महापौर जी की तबीयत कुछ अस्वस्थ है इसलिए नहीं आ पाई हैं। नगर आयुक्त साहब का भी जो मालूम हुआ अपर साहब उनके जगह बैठे हुए हैं, वर्चुअल जुड़े हुए हैं और स्वास्थ्य की वजह से जो है वर्चुअल जुड़ करके बैठक चल रही है। पिकअप वैन का नंबर प्लेट बदलकर हरियाणा से शराब की तस्करी कर बिहार ले जा रहे दो अभियुक्तों को रोहनिया पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। पिकअप वैन का नंबर प्लेट बदलकर हरियाणा से शराब की तस्करी कर बिहार ले जा रहे दो अभियुक्तों को रोहनिया पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। इस संदर्भ में मिली जानकारी के अनुसार रोहनिया इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार ने सब इंस्पेक्टर इंदुकांत पांडे पुलिस टीम के साथ गश्त पर थे, तभी मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक पिकअप वैन अवैध शराब लेकर बिहार की ओर जा रही है। सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस ने राजा तालाब ओवरब्रिज के पास पिकअप को रोककर तलाशी ली तो उसमें से 36 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद हुई। इसके अलावा 6 बोरियों में 702 पाउच शराब भी मिले हैं। पुलिस द्वारा जांच की गई तो पिकअप का नंबर प्लेट भी फर्जी निकला। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि पकड़े गए शराब की कुल कीमत लगभग 5 लाख रुपए होगी। दोनों अभियुक्तों पर आबकारी अधिनियम समेत 419, 420, 467 समेत अन्य धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है। पकड़े गए अभियुक्त मुन्ना गुप्ता गौतम बुद्ध नगर व राहुल कुमार पटना निवासी है। और यहां वक्त उछला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव सच के साथ। गंगा की लहरों से गलियों के छोर तक, जोर से बाजारों के शोर तक, सर्किट हाउस और पुलिस कमिश्नरेट तक हम करेंगे सबकी बात। देखिए मेरे साथ बनारस की बात। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है, ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें, समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें, ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें, 2 गज की दूरी का पालन करें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। महंगाई की मार से इन दिनों जनता बेहाल है। एक तरफ घरेलू रोजमर्रा की जरूरतें और दूसरी तरफ बढ़ते पेट्रोल के दाम, बढ़ती महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़ कर रख दी। महंगाई की मार से इन दिनों जनता बेहाल हो चुकी है। खाद्य पदार्थों की बढ़ रही महंगाई और डीजल पेट्रोल की बढ़ी कीमतों ने आम इंसान की कमर तोड़ कर रख दी है। हालत यह है कि दैनिक बजट पूरी तरह से बिगड़ता जा रहा है। सबसे बुरे हालात तो सब्जियों के हैं, क्योंकि एक तरफ जहां मानसून यूपी में सुस्त पड़ने की वजह से सब्जियों की पैदावार पर असर पड़ा है, माल ढुलाई करने की वजह से सब्जियों की कीमत में इजाफा हुआ है। हालत यह है कि जो सब्जियां 1.5 से 2 महीने पहले तक 20 से 40 रुपए किलो तक बिक रही थी, उसकी कीमतें सीधे 80 से 100 रुपए तक पहुंच गई है। तेजी से बढ़ रही कीमतों की वजह से हर कोई परेशान है। पेट्रोल डीजल का दाम है, उससे सारी जो वस्तुएं हैं, जो भी उपभोक्ता वस्तुएं हैं या जो भी वस्तुएं हैं, उसकी ढुलाई महंगा पड़ रही है। इसकी वजह से जो सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं और बरसात भी नहीं हो रही है, उससे और समस्याएं बढ़ रही हैं। असर पड़ा है आपके दैनिक जीवन पर? दैनिक जीवन में तो बहुत असर पड़ा है। जो हम लोग पेट्रोल भरवाते थे 1000 में, सीधे 1500 भरवाना पड़ रहा है। सब्जियों का भी दाम डेढ़ गुना बढ़ गया है। जी की रेट महंगे हैं इस समय, मेन इसका मुख्य कारण है बरसात का मौसम न होने के कारण। ये बारिश नहीं हो रहा है जिसकी वजह से सब्जियों के रेट बढ़े हुए हैं। पेट्रोल डीजल तो महंगे हुए ही हैं, ऐसा नहीं है कि उसका प्रभाव नहीं है, उसका भी प्रभाव पड़ा हुआ है जिसके कारण महंगाई तो है। आलू टमाटर प्याज धनिया मिर्चा लहसुन आम दिनों में इस्तेमाल होने वाली इन सब्जियों की कीमतें इन दिनों इतनी बढ़ गई हैं कि आम आदमी के किचन से अब ये दूर होती जा रही हैं।
पहले थाली में कम से कम दो सब्जियां हर कोई लेना चाहता था ताकि उनके दैनिक प्रोटीन और अन्य जरूरतें पूरी हो सके। लेकिन अब जिस तरह से सब्जियों की कीमतें भाग रही हैं, उससे इंसान के सेहत के साथ ही उसके बजट को भी बिगाड़ कर रख दिया है। हालत ये है कि जो आलू आज से लगभग एक महीने पहले तक 8 से 10 रुपए किलो बिक रहा था, वो इन दिनों 15 रुपए किलो तक पहुँच चुका है। जो टमाटर 20 रुपए किलो बिक रहा था, वो अब 40 रुपए किलो हो चुका है। तो वहीं हरी मिर्च जो 35 से 40 किलो रुपए थी, वो सीधे 80 पर पहुंच गई है। धनिया भी 50 रुपए किलो से बढ़कर सीधे 80 रुपए किलो पर आ गया है। तेजी से सब्जियों की बढ़ रही कीमतों ने लोगों पर गहरा असर डाला है। ये तो जान चल जा रहा, कैसे कैसे ये जो है किसान ला रहे हैं, बेच रहे हैं, उनको इतना महंगा हो गया। धनिया हो गया, मिर्चा 80 रुपए किलो हो गया है, आदि 80 रुपए किलो हो गया, धनिया 80 रुपए किलो हो गया है, लहसुन 120 रुपए किलो हो गया। सब्जियों की वजह से घर का बजट बिगड़ जा रहा है। सब्जियाँ इतनी महंगी हो गई है कि मतलब खाने पीने के हर एक छोटी सी छोटी चीज़ के लिए सोचना पड़ रहा है, और लोगों को सब्जी इतनी महंगी मिल रही है कि लोग ये सोच रहे हैं कि सब्जी ले कि ना ले, और फिर पैदावार भी कम हो रहा है। मानसून देख रहे हैं कि आ नहीं रहा है, और पेट्रोल डीजल का दिन पर दिन इतना जो भाव बढ़ रहा है कि पेट्रोल 100 रुपये लीटर के आसपास पहुँच गया बनारस। काशी अन्नपूर्णा मठ मंदिर के महंत रामेश्वर पुरी के निधन पर शुक्रवार शाम को हिंदू युवा वाहिनी संगठन की तरफ से मैदागिन स्थित गोरक्षनाथ मंदिर कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। काशी अन्नपूर्णा मठ मंदिर के महंत रामेश्वर पुरी के निधन पर शुक्रवार शाम को हिंदू युवा वाहिनी संगठन की तरफ से मैदागिन स्थित गोरखनाथ मंदिर कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। इस दौरान मंडल प्रभारी व वाराणसी विकास प्राधिकरण के मानद सदस्य अमरीश सिंह भोला भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि रामेश्वरपुरी के देहावसान से उनको अत्यंत दुख हुआ है। उनका जाना समाज के लिए एक अपूर्ण क्षति है। उन्होंने धर्म और अध्यात्म को समाज सेवा से जोड़कर लोगों को सामाजिक कार्यों के लिए निरंतर प्रेरित किया। 2004 में तत्कालीन महंत त्रिभुवनपुरी के निधन के बाद रामेश्वरपुरी को 17 अक्टूबर 2004 में महानिर्वाणी अखाड़े से संबद्ध श्री अन्नपूर्णा मठ मंदिर के महंती दी गई, जिसका उन्होंने बखूबी निर्वाह किया। उनके नेतृत्व में काशी अन्नपूर्णा अन्न क्षेत्र ट्रस्ट निरंतर समाज सेवा क्षेत्र में विस्तार पा रहा था। उनके महंत बनने के समय अन्न क्षेत्र के रूप में ट्रस्ट का सिर्फ एक प्रकल्प प्रचलित था। आज शिक्षा, चिकित्सा, स्वावलंबन, वृद्धजन सेवा समेत तमाम कार्य किए जा रहे हैं। इस मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष मनीष पांडे, महानगर प्रभारी मनीष मिश्रा, महानगर कार्यवाहक अध्यक्ष अजय सिंह, महानगर मीडिया प्रभारी ओम प्रकाश जायसवाल, अश्वनी गुप्ता, करण विश्वकर्मा आदि लोग मौजूद रहे। महंत जी का समाज के प्रति जो योगदान था, हिंदुवाणी कभी भुला नहीं सकती है। वो निरंतर हिंदुवाणी के कार्यकर्ताओं का उनका स्नेह प्राप्त होता रहा। हमेशा वो प्रोत्साहित करते रहे कि हिंदुत्व का कार्य कैसे किया जाए। जो है उस कार्य में निरंतर जहाँ भी जैसे भी आवश्यकता होती थी, महंत जी आगे निकल करके हम सबका सहयोग करते थे। और जो भी सपना था महंत जी का, हम लोग प्रयास करेंगे कि उनके जो उनके स्थान पे जो भी पीठाधीश्वर बनेंगे अन्नपूर्णा मठ मंदिर के, जो है उनके सहयोग से हम लोग उनके सपनों को। वैश्विक महामारी कोरोना के कारण इस बार भी बेनियाबाग की बकरा मंडी नहीं सजी, साथ ही यहां स्मार्ट सिटी के तहत चल रहे कार्य की भी एक वजह हो सकती है। वैश्विक महामारी कोरोना के कारण इस बार भी बेनियाबाग सरीखा बकरा मंडी नहीं सजा। पिछले साल कोरोना काल के कारण यहां बकरा मंडी प्रतिबंधित था, इस बार तो यहां स्मार्ट सिटी के तहत चल रहे कार्य की वजह से जगह ही नहीं बची है। ऐसे में मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों के मोहल्लों में टुकड़ों में बकरा मंडी सजा है। इसके अलावा बकरों के खरीद फरोख्त का तरीका भी बदल गया है। जिस ऑनलाइन मार्केट से लोग परहेज करते थे, अब उसी को अपनाकर लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए अपना व्यवसाय कर रहे हैं। बकरीद पर योगी सरकार की गाइडलाइंस के बाद बकरा व्यापारियों ने बकरा बेचने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का रास्ता अपनाया है। व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए बकरा व्यापारी ग्राहकों को बकरे की फोटो भेज उसकी बिक्री कर रहे हैं। सौदा तय होने के बाद व्यापारी बकरे की होम डिलीवरी भी करा रहे हैं। वैसे पिछले वर्षों की अपेक्षा इस बार बकरों की कीमत में भारी वृद्धि हुई है। कोरोना के मार व बेतहाशा महंगाई के चलते इस बार बकरों की बिक्री 15,000 से शुरू है। ऐसे में यह गरीबों के खरीद से बाहर है। इस संदर्भ में सिटी वाराणसी की टीम ने जब डर्बीशायर क्लब के अध्यक्ष शकील अहमद जादूगर से बातचीत की, तो उन्होंने बताया कि पहले बेनियाबाग बकरा मंडी लगती थी, जो पूर्वांचल की सबसे बड़ी मंडी कहलाती थी। बकरीद से 10 दिन पहले ही ये मंडी सज के तैयार हो जाती थी, लेकिन
निर्माण कार्य के कारण मंडी नहीं सज सकी है। इसमें दूर दूर से अपने जानवर बेचने के लिए व्यापारी आते थे। बनारस में हर साल यहाँ मैनपुरी, इटावा, फतेहपुर, राजस्थान, एटा, बिहार, बलिया, सोनभद्र, मिर्जापुर आदि जगहों से व्यापारी बकरा बेचने आते थे। ऐसे में लोग अपनी क्षमता के हिसाब से जानवर खरीदते थे, लेकिन महंगाई के चलते इनके कीमतों में काफ़ी इजाफा हुआ है। वो बेनियाबाग में पूर्वांचल का एक हब रहता था और दूर दराज से लोग आते थे, इसे बेनियाबाग में खरीद लेते थे, लेकिन अब मोहल्ले मोहल्ले में बकरे मंडी लगी है। हर इलाके में छोटी छोटी छोटे 10, 20, 50 बकरा लेके बेनियाबाग में 40,000, 50,000 बकरे रहते थे, तो उस हिसाब से बकरा लोग आज क्या है कि 15,000 से बकरे की स्टार्टिंग है। बकरा 15 से ले कर 20, 25, 30, 35, 40 जितना भी बकरे का दाम बदला हो जाए, लेकिन आज के महंगाई की मारे कोरोना के वजह से भी जो है लोगों में पैसे की थोड़ा सा दिक्कत है। हर आदमी को बिजनेस क्योंकि कारोबार बहुत ठप चल रहा है और हर चीज़ में लोग महंगाई की मार है। दूसरी चीज़ के अब व्यापारी भी जो है दूर दराज से लेके पहले ट्रक से आता था, अब छोटी छोटी लॉरी से गाड़ी से लेके आ रहा, उसका खर्चा गिर रहा है, इसलिए बहुत महंगा जानवर है और जानवर महंगा है, तो इसके कारण से न बेनियाबाग में तो पहले गरीब लोग 10,000, 5,000, 8,000 तक का बकरा मिल जाता रहा, लेकिन आज 15,000 से कम का कोई बकरा नहीं मिल रहा है, इसलिए महंगाई की तो बकरों को मार हो गई, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बकरा 15,000 से कोई कम का बकरा नहीं है। और हम लोगों में भी है कि जानवर अल्लाह के राह में तंदुरुस्त जानवर को पेश करना चाहिए, खूबसूरत होना चाहिए, अच्छे होना चाहिए, लेकिन फिर भी पैसे की किल्लत के वजह से, दिक्कत के वजह से हर आदमी छोटा छोटा भी खरीद के एक रस्म अदा करता है कुर्बानी की, जो हम लोगों में एक पवित्र त्यौहार है बकरा ईद। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत, नमस्कार। सच के साथ।